हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल सब्जेक्ट का मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मेडिकेशन क्या होती है। मेडिकेशन इज द सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड फॉर डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट एंड रिलीफ ऑफ सिम्टम्स और फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो मेडिकेशन एक सब्सटेंस होता है जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है किसके लिए, फॉर डायग्नोसिस के लिए, क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और रिलीफ ऑफ ए सिम्टम्स और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए। तो ठीक है। और फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजिकल इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल क्या होती है कि ये एक ड्रग की स्टडी होती है, इफेक्ट जो ड्रग का इफेक्ट होता है उसकी स्टडी होती है। वो इफेक्ट किस पे होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। द रिटर्न डायरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं कि जो ड्रग है उसके प्रिपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिटर्न डायरेक्शन देना। पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन। मेडिकेशन का पर्पज़ क्या होता है। ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर दीज पर्पज़, डायग्नोस्टिक पर्पज़, टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज। ठीक है। तो मेन इसका पहला पर्पज़ क्या होता है, फॉर डायग्नोसिस। तो किसी भी डिजीज में आइडेंटिफिकेशन के लिए। प्रोफाइलेक्सिस, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज, किसी डिजीज के अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोफाइलेक्सिस के लिए फॉर एग्जाम्पल हेपेरिन, टू प्रिवेंट थ्रम्बोसिस। तो हेपेरिन का यूज क्यों किया जाता है, थ्रम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। और एंटीबायोटिक का यूज क्यों किया जाता है, प्रिवेंट इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद में थेरेप्यूटिक पर्पस, टू क्योर द डिजीज। थेरेप्यूटिक पर्पस क्या होता है, डिजीज को क्योर करने के लिए। यूजेस ऑफ ड्रग, ठीक है, ये हो गए पर्पस ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ड्रग। तो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड सप्रेशन। सबसे पहले प्रिवेंशन, यूजेस ऑफ प्रोफाइलेक्सिस टू प्रिवेंट डिजीज। ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस के एज ए प्रोफाइलेक्सिस यूज किया जाता है टू प्रिवेंट डिजीज। एग्जाम्पल वैक्सीन, फ्लोराइड, प्रिवेंट टूथ डिके। डायग्नोसिस के लिए किया जाता है मेडिकेशन ड्रग का यूज, जैसे इस्टेब्लिशिंग द पेशेंट डिजीज एंड प्रॉब्लम बाय रेडियो। जैसे डायग्नोसिस के लिए किसी पेशेंट में कोई डिजीज या प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए, जैसे कि रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई का यूज करते हैं। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस में मोंटेक्स टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो इनमें ड्रग्स का यूज होता है। उसके बाद में सप्रेशन, सप्रेस द साइन एंड सिम्टम्स एंड प्रिवेंट द डिजीज प्रोसेस फ्रॉम प्रोग्रेसिस। एग्जाम्पल एंटी कैंसर एंड एंटी वायरल ड्रग्स। ठीक है। तो साइन सिम्टम्स को सप्रेस करती है। ठीक है। डिजीज को प्रिवेंट करती है, डिजीज के जो प्रोसेस है उसके प्रोग्रेस को प्रिवेंट करती है, जैसे कि एंटी कैंसर या एंटी वायरल ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, इसका यूज है नेक्स्ट। तो ट्रीटमेंट एलिविएट द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज, एग्जाम्पल एंटी एस्थमेटिक ड्रग। तो किसी डिजीज का जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम करती है, जैसे कि एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स हैं, जैसे कुछ क्रोनिक डिजीजेज होती हैं उनका ट्रीटमेंट करती है। उसके बाद में क्योर, कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ डिजीज। तो डिजीज का कंप्लीट इराडिकेशन करती हैं, एग्जाम्पल एंटीबायोटिक और एंटी हेलमेंथिक्स। ठीक है। एनहांसमेंट आस्पेक्ट ऑफ डिजीज। ठीक है। डिजीज जो हेल्थ है, एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है। जो हेल्थ है, तो जो बेस्ट हेल्थ है, बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ को अचीव करने में हेल्प करती है, एग्जाम्पल वाइटामिन्स और मिनरल्स। उसके बाद में लीगल आस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। लीगल आस्पेक्ट्स क्या है मेडिकेशन के, प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन आर ऑल कवर्ड बाय लॉ इन एवरी कंट्री। ठीक है। तो लीगल आस्पेक्ट्स से हम क्या देखते हैं कि जो मेडिकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और प्रिपरेशन है मेडिकेशन की और डिस्पेंसिंग है, वो सब एक लॉ के अंदर, एक कानून के अंदर ही आता है। ठीक है। तो इसके लिए एक कानून बनाया जाता है जिसके अंदर ही मेडिकेशन का प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। ठीक है। और ये हर कंट्री में लागू होता है। ठीक है। उसके बाद में डेंजरस ड्रग एक्ट,
डेंजरस ड्रग एक्ट जो होता है 1930 एंड द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ठीक है, ये कुछ जो लीगल जो है एक्ट है उनको बताए गए हैं। इट इज़ एन एक्ट दैट गवर्नमेंट द प्रोक्योरमेंट एंड यूज ऑफ सम ड्रग्स स्पेशली द नारकोटिक्स। ठीक है, कुछ स्पेशल ड्रग्स होती है जैसे कि नारकोटिक्स होती हैं, जैसे एग्जांपल मॉर्फिन, पैथिडीन, कोकेन होती हैं। ये ड्रग्स क्या होती हैं जो कब प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जब प्रिस्क्राइब ओनली ड्रग एनहांस कैन नॉट बी बॉट और एडमिनिस्टर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिस्क्राइब की जाती है और तभी ही एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, जब डॉक्टर इनको प्रिस्क्राइब करता है तभी। ठीक है, डेंजरस ड्रग आर ऑलवेज केप्ट अंडर लॉक। ठीक है, डेंजरस जो ड्रग्स होती हैं उनको हमेशा अंडर लॉक में रखा जाता है। ठीक है, और जो अंडर लॉक एंड की इज़ अ डेंजरस ड्रग कबर्ड अंडर द केयर ऑफ ट्रस्टेड सीनियर नर्स। ठीक है, और जो कबर्ड होता है जिसके अंदर लॉक के अंदर जो डेंजरस ड्रग रखी हैं, ठीक है, वो कबर्ड एक ट्रस्टेड सीनियर नर्स के अंडर में ही होता है। इट इज़ वर्थ नोइंग दैट नर्सेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रजेंस ऑफ रिटर्न ऑर्डर। इफ ए नर्स गिवन ए ओवरडोज ऑफ ए ड्रग बिकॉज इट इज रिटन बाई डॉक्टर, द एरर इज अकाउंटेड टू द नर्स एंड डू नॉट द डॉक्टर। ठीक है, तो जो वर्थ है, इट इज़ वर्थ नोइंग, वर्थ है जो पता होना चाहिए कि नर्स ही रेस्पॉन्सिबल होती है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, जो उसके पास रिटर्न ऑर्डर होता है उसी के अकॉर्डिंग ही वो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ठीक है, द नर्स शुड बियर ए माइंड दैट ऑल सब्सटेंस आर पॉइजन, हैंस इज नॉट देन नॉट ए पॉइजन, द राइट डोज डिफ्रेंशिएट ए पॉइजन फ्रॉम ए रेमेडी। मतलब एक नर्स को पता होना चाहिए कि जो जो ड्रग जो प्रिस्क्राइब की गई है, जो रिटर्न में उसके पास ऑर्डर है, उसी पे ही देनी होती है। अगर ओवरडोज होगा तो वो एरर होगा। ठीक है, और जो कि एक नर्स ही करेगी एरर। ठीक है, उसमें डॉक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ओवरडोज में। ठीक है, तो ये नर्स को माइंड में रखना चाहिए कि कुछ सब्सटेंस हैं जो कि पॉइजनस भी कर सकते हैं। ठीक है, उनकी ओवरडोज की वजह से, इसीलिए उनको राइट डोज में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या पॉइजनस हो सकते हैं उसके लिए, ये सब नर्स को पता होना चाहिए। ड्रग नेम नोमेनक्लेचर, ड्रग नोमेनक्लेचर, वन ड्रग कैन हैव एज मच एज फोर डिफरेंट नेम। ठीक है, वन ड्रग में के कम से कम फोर नेम होते हैं, जैसे कि केमिकल नेम होता है, एनी टिपिकल ऑर्गेनिक नेम दैट प्रिसाइजली डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग्स। एग्जाम्पल एन फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल एसीटेट, एन एसीटामाइड होता है जो फोर हाइड्रोक्सी फिनाइल होता है, फोर पैरासीटामोल। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम होता है पैरासीटामोल एन एसीटामाइड। दूसरा होता है जेनेरिक नेम होता है ड्रग का। जेनेरिक नेम के क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो कि दवाई को बना रहा है, इट इज़ गिवन बाय द ड्रग बिकम ऑफिशियल। ठीक है, इसके थ्रू ड्रग को ऑफिशियल किया जाता है। इफ़ द नेम इज विच ड्रग विल बी नो थ्रू आउट द वर्ल्ड नो मैटर हाउ मैनी कंपनीज मैन्युफैक्चरर। ठीक है, दिस नेम इज यूजली एग्रीड अपॉन बाय द WHO। ऑफन द जेनेरिक नेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द केमिकल नेम, एग्जाम्पल एसिटामिनोफेन। थर्ड होता है इसका ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम क्या होता है कि जो USAN है, यूनाइटेड स्टेट अडेप्टेड नेम, और जापानीज एक्सेप्टेड नेम, इट विल आल्सो अप्लाई फॉर ए इंटरनेशनल नॉन प्रोफेशनल नेम थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनके थ्रू ऑफिशियल नेम दिया जाता है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन,
तो मेडिकेशन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। मेडिकेशन में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू किसके, जो मेडिकेशन है उसको किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाता है, बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग। द बॉडी सिस्टम कैन बी मेडिसिन इज टारगेटेड टू इंट्रैक्ट विद एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर मेडिकेशन, नर्वस सिस्टम मेडिकेशन। ठीक है, तो जो बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन भी को भी क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कोई कार्डियोवैस्कुलर की मेडिसिन है, जैसे कोई नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। ठीक है, सेकेंड है थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ मेडिसिन। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ मेडिसिन क्या होता है, एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव या फिर न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, मेडिसिन का थेरेप्यूटिक यूज क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कोई हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है या फिर न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स होती है। थर्ड होता है कि द डिजीज द मेडिसिन इज यूज फॉर, एग्जाम्पल एंटी कैंसर। ठीक है, डिजीज़ के अकॉर्डिंग मेडिसिन को क्लासीफाई किया जाता है कि किस डिजीज़ में ड्रग दे रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एंटी कैंसर, कैंसर के लिए दे रहे हैं, मलेरिया के लिए दे रहे हैं। ठीक है, एंटी हेलमेंथिक से द एक्शन ऑफ मेडिकेशन कैन आल्सो बी यूज टू क्लासीफाई द इट, एग्जाम्पल बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एजेंट। द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन ऑन द बॉडी कैन आल्सो बी क्राइटेरिया फॉर इट्स क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल सेडेटिव, एंटी एंग्जाइटी एंड ड्रग्स। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन। तो स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन का स्टोरेज कैसे करते हैं। मेडिकेशन आर डिस्पेंस्ड बाय द फार्मेसी टू नर्सिंग यूनिट। ठीक है, फार्मेसी से मेडिकेशन जो है डिस्पेंस कर दी जाती है नर्सिंग यूनिट तक। ठीक है, वंस डिलीवर्ड प्रॉपर स्टोरेज बिकॉज बिकम ए रेस्पॉन्सिबल ऑफ नर्स। नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ड्रग का प्रॉपर स्टोरेज करें। ऑल मेडिकेशन मस्ट बी स्टोर्ड इन ए कूल ड्राई पैलेस। ठीक है, सभी मेडिकेशन कूल ड्राई पैलेस में रखनी होती है, कुछ या तो कैबिनेट्स में। ठीक है, यूजुअली कैबिनेट्स, मेडिसिन कार्ड्स या फिर फ्रिज में। ऑल मेडिकेशन मस्ट बी स्टोर्ड इन कूल ड्राई पैलेस, यूजुअली कैबिनेट, मशीन कार्ट एंड फ्रिज। तो ये आप देख सकते हैं मेडिकेशन का स्टोरेज इस तरह से हो रहा है। सभी के आगे लेबलिंग की जाती है और सभी ड्रग्स का अलग अलग प्लेस होता है। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन इन लेस एडवांस कंट्री, थ्री कबर्ड्स आर यूजुअली यूज फॉर ड्रग स्टोरेज। ठीक है, थ्री कबर्ड्स का यूज किया जाता है मेडिसिन के स्टोरेज के लिए। फर्स्ट कबर्ड में क्या रखी जाती है, यूज फॉर ड्रग फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ओनली जो एक्सटर्नल जिन ड्रग यूज होती हैं उनको रखा जाता है, जैसे कि कैलामाइन लोशन, डिटोल, मिथाइलेटेड स्प्रीट। ठीक है, दीज ड्रग आर कंटेनिंग इन डिस्ट्रक्टिव बॉटल्स, यूजली रिज्ड विद डीप कलर, डार्क ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, विद रेड लेबल मार्क्ड पॉइजन और फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक है, तो इनको अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ग्रीन, वाइट, ब्लू, ब्राउन और ठीक है, जो जो कि डेंजरस मेडिकेशन है उनको रेड कलर से लेबल किया जाता है। कबर्ड सेकंड में क्या रखा जाता है, ऐसे ड्रग्स रखा जाता है जिनका कि इंटरनल यूज होता है, जैसे कि टेबलेट, सस्पेंशन, मिक्सचर। ठीक है, और सभी ड्रग्स लेबल्ड होती हैं। और कबर्ड थर्ड में क्या रखा जाता है, जो कि डेंजरस ड्रग होती है, जैसे कि मॉर्फिन या पैथेडिन होती है। ऑल ड्रग्स शुड बी केप्ड अवे फ्रॉम डायरेक्शन सनलाइट, सनलाइट के डायरेक्शन से दूर रखा जाता है। ठीक है, और ऐसे टेम्परेचर पे रखा जाता है जो कि मैन्युफैक्चरर के द्वारा सजेस्टेड हो। ठीक है, अनदर कबर्ड कॉल द इमरजेंसी कबर्ड। ठीक है, एक और कबर्ड होता है जिसको इमरजेंसी कबर्ड बोलते हैं, मे बी स्टेशन एट और नियर द नर्सेस बाय फॉर इजी एक्सेस। ठीक है, जो नर्सेस स्टेशन के पास में जिसको रखा जाता है। दिस कबर्ड कंटेन ड्रग फॉर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो ड्रग होती हैं उनको इस कबर्ड में रखा जाता है, जैसे कि अमिनोफाइलिन फॉर अस्थमा के लिए, हाइड्रोलाइजिन, ठीक है, सीवियर हाइपरटेंशन के लिए, ऑक्सीटोसिन मेटरनल ब्लीडिंग के लिए। ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन्स होते हैं फॉर रिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है, ओके, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे।
ओके, थैंक यू।